has been thrown out of Bigg Boss 10, Om Swami's disgusting antics are still continuing. In a series of shocking statements given to ANI, the self-proclaimed Godman has claimed that the show's host and the Dabang of Bollywood is pleading him to come back on the show. Talking exclusively to ANI, Om Swami said, "पिछले 10 सालों में सबसे हाईएस्ट टीआरपी रहा है रहा तब तक जब तक मैं बिग बॉस के घर में रहा मेरे निकलते ही टीआरपी अब जीरो हो गई है। सलमान के भी टेलीफोन आ रहे हैं, बिग बॉस के भी टेलीफोन आ रहे हैं कि आप आइए। मैंने उनको एक ही बात ज्वाइन करने के लिए हम आपको वाइल्ड कार्ड में ले रहे हैं, मैंने उनको एक ही बात कहा, मैं आऊँगा एक शर्त पे, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आकर के पूरे मीडिया के सामने सलमान खान मेरे पैर पर नाक रगड़े, बिग बॉस मेरे पैर पर नाक रगड़े और माफ़ी मांगे पूरे देश से कि पूरे देश को बर्बाद करने का उनका ये साजिश है, तब मैं आऊँगा, वरना बाहर में जाए तुम्हारा बिग बॉस शो, और बाहर में ऑलरेडी जा चुका है क्योंकि अब जीरो जीरो हो गया। अब उनको जो उनका जो सर्कुलेशन है टीआरपी है वो खत्म हो गया है। Contradicting his statement, the very next moment, Om Swami went overboard when he threatened he will not let the finale to happen if he is not called back and that he would go and beat the Sultan on stage on the day of the finale. यदि नहीं बुलाया तो भी फिनाले तो मैं होने नहीं दूंगा, किसी को मैं प्राइज तो देने नहीं दूंगा, मैं स्टेज में आग लगाऊंगा, घर में आग लगाऊंगा और उन लड़के लड़कियों को मैं किडनैप करके बाहर निकाल करके ले आऊंगा और उन्हीं से जो सच्चाई है वो बुलवाऊंगा मैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे कि सरकार उसके बाद मुझे फांसी में चढ़ाएगी या जेल में डालेगी, आई डोंट केयर। फॉर द अनवर्स्ट ड्यूरिंग द कैप्टनसी टास्क दिस वीक, स्वामी अलेजेडली थ्रू हिज यूरिन ऑन को कंटेस्टेंट बानी जे एंड रोहन मेहरा एंड एज अ रिजल्ट ही वाज इमीडिएटली पुट बिहाइंड द बार्स बाय अदर कंटेस्टेंट्स। लेटर ऑन फ्राइडे ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस बाय द शोज सिक्योरिटी गार्ड।